बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और कंट्रोल रूम में हुई शिकायतों और मतदान प्रतिशत की जानकारी ली। उपचुनाव को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि उपचुनाव के अच्छे रुझान आ रहे हैं, जनता मतदान के प्रति जागरूक है। लगातार मिल रही शिकायतों पर वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के इशारों पर कांग्रेसी गुंडई कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ के मंदिर जाने पर कहा कि मंदिर जाकर पूजा करते रही तो अच्छा है, ऐसा ना हो कि केवल दिखावा ही करते रहे। कांग्रेसियों जैसे इतना झूठ बोलने वाले लोग जीवन में कभी देखने को नहीं मिले। बोलते हैं 30-30 लोग एक बूथ पर तैनात किए हैं, मैं पूछता हूँ इतने आए कहाँ से हैं? अच्छा है कि गुफा मंदिर जाके पूजा करें, और मुझे लगता है कि अगर लगातार पूजा करते रहे तो अच्छा है। केवल दिखावे के लिए पूजा करना, हम ये नहीं कहते कि कोई पूजा कर रहा है तो गलत कर रहा है, तो अच्छी बात है, बिल्कुल करनी चाहिए। हम तो रोज ही करते हैं, हम तो भगवान के शरण में ही रहते हैं, तो इसलिए वो जा रहे हैं तो ये दिखावा ना हो, जैसे ज़्यादा और बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिवली सारी चीज़ें कैसे हों, अगर कोई किसी प्रकार की घटना दुर्घटना लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जो खासतौर पर आपने देखा है कि इस चुनाव में कांग्रेस, चूँकि दिग्विजय सिंह के इशारे पर ये काम हो रहे हैं, और दिग्विजय सिंह का जो नेचर है वो हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में गुंडिज्म से लेकर के क्या उन्होंने किया है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता बूथ बूथ पर, मैं बहुत उसके ऊपर मुझे गर्व है कि वो ऐसे तत्वों का और ऐसे लोगों का जवाब देना उसको बेहतर आता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।